सो वेल, व्हेन आई थॉट टू सेट अप माई होम स्टूडियो आई स्टार्टेड विथ हेडफोन्स, और कुछ टाइम के बाद आई अपग्रेडेड दिस वन विथ एडिफियर स्टूडियो मॉनिटर्स, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, और अभी तक मैं इसकी क्वालिटी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था, और मुझे लगता था कि ये होम स्टूडियो के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, बेस्ट मॉनिटर्स है, बट आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि 10 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ। तो यस गाइस, अब बात कर लेते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, जो कि है एवेंटन गॉस 7 टू वे पावर्ड स्टूडियो रेफरेंस मॉनिटर्स। वेल गाइस, दे आर गॉस 7 और सुपर ट्रांसपेरेंट, स्मूथ और इजी टू लिसन, आपको एक्सपीरियंस देते हैं व्हेन इट कम्स टू स्टूडियो रेफरेंसिंग, और इसका जो क्रेडिट है वो जाता है इसके 2.5 इंच ट्वीटर्स को, और इसके जो ये ट्वीटर्स हैं वो एवेंटन ने खुद कस्टम डिज़ाइन किए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 7 इंच के वूफर्स, जो कि इसकी जो फ्रिक्वेंसीज है, जो कि साउंड आपको मिलने वाली है, उसको और भी ज़्यादा इनक्रेडिबल बना लेते हैं। अगर हम जाते हैं इसके रियर साइड में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक गेन नॉब देखने को मिलेगी, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक बेस पोर्ट देखने को मिलेगा। ये बेस पोर्ट मेक श्योर करता है कि आपको जो लो फ्रिक्वेंसीज है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है, इम्पैक्टफुल हो, कॉम्पैक्ट हो और बहुत ज़्यादा टाइट हो। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर है रूम अडेप्ट का, आप इन मॉनिटर्स को अपने स्टूडियो के साइज़ के साथ से, जहाँ पर रूम का साइज़ है, जहाँ पर आप इन मॉनिटर्स को प्लेस करने वाले हैं, उसके हिसाब से आप इजीली कैलिब्रेट कर सकते हैं। इन केस अगर आप किसी भी रूम के सेंटर में, मिडिल में आप अपने वर्क स्टेशन को रखते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है उसको कैलिब्रेट करने का, तो आप इजीली वो कर सकते हैं, राइट। और अगर आपका जो वर्क स्टेशन है वो बिल्कुल दीवार के साथ, आपके वॉल के साथ है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप उस अकॉर्डिंग भी अपने इन मॉनिटर्स को कैलिब्रेट कर सकते हैं, या दोनों ही साइड से आप कर सकते हैं। कैलिब्रेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर दोनों ही साइड मिलने वाला है। और अगर आपका जो वर्क स्टेशन है वो आपके स्टूडियो रूम में कहीं पर कोने में है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी ईजीली अपने इन दोनों मॉनिटर्स को कैलिब्रेट कर सकते हैं, सो दैट कि आपको जो फ्रिक्वेंसीज है, जो आपको साउंड आउटपुट आए, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट आए, बैलेंस्ड आए और प्रॉपरली वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहे। और जैसे ही आप अनपैक करते हैं इस प्रोडक्ट को, तो सबसे पहले आपको मिलता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, और साथ ही साथ आपको मिलती है इसकी पावर केबल्स, जो कि हेल्प करती है इन मॉनिटर्स को कनेक्ट करने के लिए विथ यूएस सिस्टम। तो ये जो मॉनिटर्स हैं, ये एक्टिव फुल रेंज टू वे पावर्ड स्टीरियो मॉनिटर्स हैं, और अगर हम बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज की, तो ये वेरी करती है बिटवीन 30 हर्ट्ज टू 22,000 हर्ट्ज तक। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, देखने में ही आपको बहुत प्रीमियम फील देंगे, बट साथ ही साथ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बनाए जाते हैं विद बेस रिफ्लेक्स डिज़ाइन, जिसमें कि यूज़ होता है हाइब्रिड मीडियम डेंसिटी के फाइबर बोर्ड, जो कि रियल वुड वेनीर को यूज़ करके बनाए जाते हैं, और जो ये मटेरियल है, ये इसकी बिल्ड क्वालिटी को और भी ज़्यादा ड्यूरेबल बना लेता है। यहाँ पर ब्रांड खुद इंश्योर करता है कि आपको 5 ईयर्स की वारंटी मिले इस प्रोडक्ट पे, सो दैट कि आप इसे एक लॉन्गर टर्म के लिए यूज कर सके। और अब बात कर लेते हैं इसके इनपुट्स की, तो यू आर गोना गेट बोथ TRS एज वेल एज XLR कनेक्शन ओवर हेड, जो कि आपके स्टूडियो सेटअप को इसके साथ कंपेटिबल बना लेता है, और आप इसको बेस्ट टू बेस्ट वे में यूज कर सकते हैं। और पिछले एक हफ्ते से जब से मैं इन मॉनिटर्स को यूज करूँ, तो मुझे इसकी USP लगी वो ये कि एक विंटेज डिजाइन के साथ यहाँ पर आपको जो नियर फील्ड मॉनिटर्स है उसकी फील के साथ, ये आपको कहीं ना कहीं जो न्यू स्कूल बैंडविड्थ और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है वो आपको प्रोवाइड करता है, जिससे कि बैलेंस मेंटेन होता है आपके विंटेज क्वालिटी का, और जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है, इन दोनों के बीच के प्रॉपर बैलेंस आपको इस प्रोडक्ट में देखने को मिलता है, जो कि मेक श्योर करता है कि आपको जो बेस्ट रेफरेंस क्वालिटी है वो आपको मिले। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि इसकी जो एकॉस्टिक प्लेसमेंट्स है, ये इसको बहुत ज्यादा एडवांस बनाता है, और ये हेल्प करता है आपको, ये सपोर्ट करता है आपको कि आपके रूम का साइज कुछ भी हो, एकॉस्टिक ट्रीटमेंट वहां पर कैसा भी हो, किसी भी तरह की कंडीशन हो, ये फिर भी आपको वहां पर बेस्ट आउटपुट क्वालिटी प्रोवाइड करवाने वाला है। इसकी जो मिड रेंज है वो काफी ज्यादा वाइड फ्रीक्वेंसीज आपको देती है, एंड यस द सॉस इज इन मिड रेंज, जो आपकी मिड फ्रिक्वेंसीज होती है वही आपके मिक्स और मास्टर को काफी हद तक डिटरमाइन करती है कि कैसा बनने वाला है, तो वहां पर आपको एक वाइड आपको बैंडविड्थ मिलने वाली है। और अगर हम बात करते हैं बेस फ्रिक्वेंसीज की, काफी प्रोड्यूसर्स बेस के ऊपर काफी ज्यादा फोकस रहते हैं, तो रियर फायरिंग बेस यहां पर आपको मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा टाइट और बहुत ज्यादा पंची आपको लो फ्रिक्वेंसीज प्रोवाइड करता है। इन सारे फीचर्स की वजह से ये एडजस्ट कर लेता है आपके रूम के हिसाब से, और आपको जो बैलेंस साउंड आउटपुट चाहिए, जो आपको अपनी फ्रिक्वेंसीज चाहिए जो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो, बहुत ज़्यादा क्लियर हो, ये आपको वो प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर साथ ही साथ आपको हाई ट्रिम
का जो स्विच है वो भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप इजीली अपनी हाई फ्रीक्वेंसीज को कट कर सकते हैं या फिर बूस्ट कर सकते हैं विथ प्लस और माइनस 2 dB। और इस बैलेंस्ड और पावरफुल साउंड के पीछे है गॉस 7 का कस्टम पेटेंटेड डिज़ाइन GAU AMT ट्वीटर, जो कि हेल्प करता है इन फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल रखने के लिए। और साथ ही साथ जिस तरह के आप इक्विपमेंट्स और जिस तरह के आप साउंड एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन में, उसकी जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी है, जो सोनिक क्वालिटी है, उन फ्रीक्वेंसीज को कॉम्पैक्ट रखने में, जो कि आपकी साउंड फ्रीक्वेंसीज को स्टीरियो इमेजिंग के थ्रू देता है वर्टिकल थ्रो, जिसकी वजह से जो आपके एकोस्टिक इन्वायरमेंट है उसकी ज़रूरत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। प्लस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर आप एकोस्टिकली प्लेसमेंट आपका जो फीचर यहाँ पर उसको यूज़ करके इसको अडेप्ट कर सकते हैं एज पर यूर रूम साइज एंड द स्टूडियो साइज। अगर आप चाहते हैं कि आपको परफेक्ट सिस्टम कैलिब्रेशन मिले, तो इसके लिए गॉस 7 आपको दोनों ही मॉनिटर्स में इसके इंडिविजुअल गेन फीचर्स को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप इजीली कैलिब्रेट कर सकते हैं जो आपको फ्रीक्वेंसीज चाहिए, जो आपके रूम साइज या आपके स्टूडियो की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। और अब बात कर लेते हैं इसकी पावर इनटेक के बारे में, तो ये तकरीबन 110 से 240 वोल्ट की पावर सप्लाई को यूज़ करता है। और अगर हम बात करते हैं इसके वेट के बारे में, तो इट वेट्स अराउंड 8.2 kg। सो वेल, अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये आपको मिलने वाला है अराउंड 61,000 का। आपको बेस्ट बाय लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में एंड पिन टॉप कमेंट में, सो दैट कि आप इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के साथ इस प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल्स जान सकें। और साथ ही साथ अब फाइनली कर लेते हैं इसका एक ऑडियो टेस्ट। तो वेल गाइस, आई एम श्योर कि आज के इस वीडियो से आपको इस प्रोडक्ट को जानने में और समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। इन केस यू स्टिल हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आपको लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन टॉप कमेंट में। किसी एक प्रोड्यूसर फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसको भी इससे बेनिफिट हो सके और वो भी इस तरह के अमेजिंग प्रोडक्ट को अपने स्टूडियो में अपग्रेड कर सके। इट्स अ बॉय सुल्तान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। पीस।